पिछली बार मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, पिछली बार जो अगर 2021 में मैंने ये 5 के तहत यूपी बोर्ड की परीक्षा निरस्त होने के कारण हमारे शिक्षक साथियों को सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया था, इसमें जो माध्यमिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमारे माननीय नेता सदन जी को गलत जानकारी दी। माननीय उस गलत जानकारी के कारण हमारे नेता सदन जी ने विधान परिषद में कहा था कि जो जो परीक्षा कॉपी है ये बेकार हो जाएगी क्योंकि उस पर कोडिंग होती है, लेकिन अधिकारियों की उसका लाल फीता शाही का उदाहरण देखिए, ये बात 2021 की थी। 19 अगस्त 2021 में एक पत्रकार 1005 निकाल दिया उन्होंने, ये जो परीक्षा कॉपी है आगे की परीक्षाओं के लिए रखी जाएगी सुरक्षित। तो ये जो अधिकारी हैं हमारे जो माननीय नेता सदन है उन्हें भी गुमराह करते हैं, जिसके कारण जो हमारे शिक्षकों के आपके लिए खुद के लिए फैसले लिए जाने चाहिए वो हमारी सरकार पूरा नहीं कर पाती। तो जो ऐसे अधिकारी गलत जानकारी देते हैं उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा संगठन नीति का विषय है, इसी कारण से 1971 में जितने भी स्कूल चलते थे वैसा सहायता प्राप्त कर दिए गए। तो सरकार को तो 2016 में पूर्व सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रॉब्लम किया था, उसे हमेशा जब भी यह बात आती है तो कहा जाता है जनता नहीं माना जाए, लेकिन ये सरकार के ऊपर है कि आगे ऐसे कोई भी नियम यानी फॉरवर्ड भी किए जा सकते हैं, नए नियम भी बनाए जा सकते हैं। जो आर्थिक सहयोग दिए जा रहे हैं वो 200 करोड़ 400 करोड़ भी किए जा सकते हैं, ये सब सरकार की कार्य पद्धति के ऊपर होता है, आपके अधिकार में होता है कि वह शिक्षकों को क्या रखना चाहते हैं। ये दूसरा विषय है कि जो उत्तर पर जो भी बच्चे छात्र हैं उनके भविष्य निर्माण करने हैं, उनके भविष्य खुद बदलने हैं, वो तो जब हम समय समय पे शिक्षकों के पास जाते हैं तो उन शिक्षकों का कहना होता है कि हमारे पास तो जमीन की है जिस वजह से हम मिट्टी कर लेते हैं, जिस वजह से हमारा काम चल जाता है। कोरोना काल आया, आधे से ज्यादा योग्य शिक्षक अध्यापन से हटके अन्य कार्यों में ट्रांसफर हो गए, तो के लिए यह नहीं करेंगे तो उनके जीविका के लिए बहुत ही ज्यादा संकट खड़ा हो जाएगा। दूसरा, जो हमारे निजी विद्यालयों को मान्यता दी जाती है वो स्वयं काम में दी जाती है, ये मान्यता देने की सुसंगत धारा नहीं, तो इन्हें सुसंगत धारा में मान्यता दी जाए और हमारे जो भी शिक्षक हैं उन्हें शिक्षा संबंधी नीति का विकल्प होने के कारण सरकार के द्वारा भी कुछ अनुदान किया जाए, जिससे जो उत्तर प्रदेश की जो युवा पीढ़ी आ रही है उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। दूसरा, इवन मैंने कोरोना काल आया था तो मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था कि मेरी खुद की पूरे 6 वर्ष की तनख्वाह और पूरी 6 वर्ष की विधायक नीति रोक दी जाए और उसे शिक्षकों के खेत के लिए दिया जाए, तो मेरा कहना है उस पत्र पर भी कार्रवाई की जाए और मेरी पूरी वेतन और जो मेरी पूरी विधायक नीति है वो भी रोके शिक्षकों के हित के लिए तो दिया जाए। धन्यवाद माननीय, पूरे प्रदेश का विकास हो सकता है लेकिन